विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, स्क्वेयर रूट 8 टू द पावर स्क्वेयर रूट एक्स माइनस स्क्वेयर रूट 5 टू द पावर स्क्वेयर रूट वाई इक्वल्स 39 गिवन एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है हम फाइंड करना है, राइट। तो मैं सॉल्यूशन पहले लिख लेता हूँ। स्क्वेयर रूट पर बेस में देखो, यहाँ पर बेस में अगर हम देखा दोनों तरफ, तो अगर स्क्वेयर रूट ये रहा तो इसे हम ए टू द पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसके लिए ये रूटेड क्या बनेगा, अभी ए टू द पावर 1/2 ये ऊपर का स्क्वेयर रूट एक्स सेम। तो ठीक इसी तरह रूट फाइव को मैं 5 to the power of 1/2 करूँगा और रूट स्क्वेयर रूट वाई सेम रखूँगा इक्वल्स ये 39 आल्सो राइट साइड सेम, ठीक है। अभी यहाँ पर पावर वैल्यूज कर दो, ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ अगर एन रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन, ए पावर रूल अगर हम यहाँ पर यूज किया तो ए टू द पावर स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 बनेगा ये, माइनस यहाँ पर बनेगा 5 to the power स्क्वेयर रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 39 आगे सेम, ठीक है। यहाँ पर हम लेट करेंगे एज स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सपोज ए एंड स्क्वेयर रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स यहाँ पर बी करेंगे, राइट। तो ये रूट एक्स बाई 2 की जगह में ए पुट करेंगे, रूट वाई बाई 2 की जगह में बी पुट करेंगे। 8 रूट एक्स बाई 2 की जगह में ये कर दो तो ए टू द पावर ऑफ ए माइनस 5 to the power of b इज इक्वल टू 39, ठीक है। तो ये हो गया ए टू द पावर ऑफ ए समझ लो, तो ए टू द पावर ऑफ ए होल टू द पावर ऑफ 1 है समझ लो। इस 1 को मैं ए टू द पावर ऑफ ए होल टू द पावर ऑफ 1 के जगह में 1/2 टाइम्स 2 कर सकते हैं, 2 गया तो पावर 1 ही रहेगा। तो ए टू द पावर ऑफ ए होल टू द पावर ऑफ 1 मीन्स ए टू द पावर ऑफ ए 1/2 टाइम्स 2, तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ एम एन बनते हैं, तो ये उल्टा भी बन सकते हैं, राइट। तो इसके लिए तो ए टू द पावर ऑफ इसके जगह में मैं क्या लिखता हूँ, ए टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर। ठीक इसी तरह ये 5 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 इससे भी होल स्क्वेयर करेंगे इज इक्वल टू 39, ठीक है। यहाँ पर अगेन लेट करेंगे एज 8 to the power of a divided by 2 इक्वल्स m, इसके जगह में m पुट करेंगे और 5 to the power of b divided by 2 इक्वल्स सपोज n, तब ये बनेगा, ये जो क्या है ये बनते हैं, तो इसकी जगह में मैं m पुट किया तो m स्क्वेयर बनेगा ये, और माइनस 5 to the power of b divided by 2 की जगह में अगर n पुट किया तो ये n स्क्वेयर बनेगा इक्वल 39, राइट। तो हमें मालूम है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो ये एम माइनस एन टाइम्स एम प्लस एन हम लिख सकते हैं इक्वल्स, ये 39 का अगर हम फैक्टर बने यहाँ 3 times 13 बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर m माइनस n इज स्मॉलर देन m प्लस n है, m माइनस n इज ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, राइट। तो यहाँ पर ये स्मॉलर है और 13 ये क्या है लार्जर है, ये 3 स्मॉलर है 13 लार्जर है, इन दोनों में स्मॉलर m माइनस n है और m प्लस n लार्जर है, तो स्मॉलर को स्मॉलर इक्वल कर दो लार्जर को लार्जर इक्वल करेंगे तभी हमें मिलेगा m माइनस n इज इक्वल टू 3 बनते और m प्लस n इक्वल्स 13 मिलेगा, राइट। ऐड करेंगे दोनों, अगर दोनों ऐड किया तो प्लस कर दो, माइनस n प्लस 1 निकल जाएगा तो 2m इक्वल्स यहाँ पर 13 प्लस 3 मीन्स 16 बनते हैं, राइट। तो हमें m का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा
तो हमें मिलेगा यम इक्वल्स 2 1 2 2 8 16 मीन्स 8। यम का वैल्यू हमें मिल रहा है 8, राइट। तो अगर यम का वैल्यू 8 मिला तो यहाँ पर यम माइनस एन इज 3 है, यम प्लस एन इज 13 है, इन दोनों किस में भी हम यम का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो हमें एन का वैल्यू मिलेगा। एन के लिए हम यम माइनस एन इक्वल्स या 3 है 3 ले लेंगे, तो यम का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो एन इक्वल्स 3 और ये माइनस एन ये साइड मिलेंगे और प्लस 3 ये साइड मिलेंगे, तो 8 माइनस 3 इक्वल्स पॉजिटिव एन, तो 5 इक्वल्स एन, यानी एन इज इक्वल टू 5। हमें यम और एन का वैल्यू 8 और 5 मिल गया, ठीक है। तो यम हम लेट किया है, यम एज यहाँ पर 8 टू द पावर ऑफ ए बाई 2 और एन एज 5 टू द पावर ऑफ बी बाई 2। रिकॉल यम एंड एन, तो यम क्या है, यम इक्वल्स 8 टू द पावर ऑफ ए डिवाइड बाई 2 है एंड एन इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ बी डिवाइड बाई 2 है, राइट। तो यम का वैल्यू हमें मिला है यम मीन्स 8, तो 8 इक्वल्स 8 टू द पावर ऑफ ए बाई 2 और यहाँ पर एन इज 5 है, तो 5 इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ बी डिवाइड बाई 2। तो इसमें कुछ भी नहीं बोलते 1 समझ लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते पावर में 1 समझ लो, तो बेस सेम है इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो, देन यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए इक्वल्स हमें 2 मिलेगा, ए का वैल्यू हमें 2 मिला। तो बी यहाँ पर भी पावर सेम, पावर 1 है, यहाँ पर इक्वल साइन है, तो बेस यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये पावर इक्वल कर दो, तो बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 1, देयरफॉर हमें बी का वैल्यू मिलेगा 2। ए इज टू बी इज टू, तो हम अगेन हम यम और एन ए एंड बी लेट केस है, हम यहाँ पर देखो ए इज रूट एक्स बाई 2 और बी इज रूट वाई बाई 2, ए रिकॉल कर दो ए बी, अगेन यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे, रिकॉल ए एंड बी, तो रिकॉल किया ए इक्वल्स क्या है, ए इज रूट एक्स बाई 2, स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 है एंड बी क्या है, स्क्वेयर रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 है, राइट। तो ये इस यहाँ पर हमें ये क्या मिला, 2 मिला है, तो 2 इक्वल्स स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये अगर 2 निकालना है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये 2 2s are 4 बनते हैं इक्वल्स ए 2 और ए 2 निकल जाएगा, स्क्वेयर रूट एक्स बनेगा, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर दो आप, स्क्वेयर रूट ले लो, दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट लिया ए निकल जाएगा, तो 4 square is 16 आ जाएगा, तो एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमें मिल रहा है 16 इससे, राइट। तो ठीक इसी तरह हम अगर बी का वैल्यू हमें क्या मिला है, बी इज 2 है, तो 2 इक्वल्स स्क्वेयर रूट वाई डिवाइडेड बाई 2, अगर यहाँ पर ये फ्रैक्शन का 2 अगर निकालना है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 2 into 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर रूट वाई बनेगा, राइट। अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि हमें वाई का वैल्यू चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, यहाँ पर स्क्वेयर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो, ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा, 4 4 16 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल्स 16 मिलेगा हमें, तो एक्स भी 16 ही मिला और वाई भी हमें 16 मिला, दोनों के वैल्यू यहाँ पर कुछ है, तो 16 इसका भी वैल्यू 16, राइट। तो हम गिवन इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट।
तो गिवन क्या है, स्क्वायर रूट 8 टू द पावर स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 5 टू द पावर स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 39, राइट। तो एक्स वाई का वैल्यू 16 है, तो रूट 8 टू द पावर 16 माइनस रूट 5 टू द पावर 16, क्या दोनों का डिफरेंस 39 बनता है। तो ये रूट 8 को मैं 8 टू द पावर ऑफ 1/2 करूँगा, और ये रूट 16 एज यूजुअल माइनस रूट 5 को, इस रूट 5 को 5 टू द पावर ऑफ 1/2 करेंगे, और ये स्क्वायर रूट 16 सेम, ये क्या इन दोनों का डिफरेंस 39 बनेगा। तो 8 टू द पावर ऑफ 1/2 सेम रखो, और रूट 16 मीन्स यहाँ पर 4 बजेगा, माइनस रूट 5 टू द पावर ऑफ 1/2 भी सेम रखेंगे, और रूट 16 मीन्स यहाँ पर भी 4 बनेगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस 39 है। तो इन दोनों का पावर रिलीज कर दो यहाँ पर, 8 टू द पावर ऑफ 1/2 टाइम्स 4 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 1/2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 39। तो ये बनेगा 8 टू द पावर 8 टू 1 जार 2 टू जार, यानी 8 टू द पावर ऑफ 2 माइनस यहाँ पर 2 1 जार 2 टू जार, राइट। तो 5 टू द पावर ऑफ ये भी 2 ही रहेगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस 39 है। 8 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 64 बनते हैं, माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 25 बनते हैं, क्या इन दोनों का डिफरेंस 39 है। तो 64 माइनस 25 मीन्स यहाँ पर 39 ही बनते हैं, 39 इज इक्वल टू 39, यस ट्रू, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमें जो मिला x का वैल्यू 16 एंड y का वैल्यू 16, ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।